नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को इस बार भारतीय जनता पार्टी की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में दो चरणों की वोटिंग हो चुकी है और राजनीतिक विश्लेषण की माने तो अब तक मुकाबला लगभग बराबरी का ही है। गुरुवार 1 अप्रैल को ममता बनर्जी की विधानसभा सीट नंदीग्राम में वोट डाले गए। इस सीट पर दीदी का मुकाबला एक समय उनके विश्वस्त सहयोगी रहे और अब बीजेपी उम्मीद शुभेंद्र अधिकारी से है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को माने तो ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से हारने वाली है। पीएम मोदी ने तो अपनी एक चुनावी रैली में ममता दीदी पर तंज कसते हुए कहा, ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वे नंदीग्राम में डेरा डालने की विवश हुई है। दीदी ने भवानीपुर सीट नंदीग्राम जाने के लिए छोड़ी थी। यहां आने के बाद उन्हें गलती का एहसास हुआ। दीदी को नंदीग्राम 4 दिन से डेरा डालने को मजबूर होना पड़ा। पीएम ने पूछा था, दीदी क्या आप किसी अन्य सीट से नामांकन फाइल करने जा रही है? पहले आप नंदीग्राम गई और लोगों ने आपको जवाब दे दिया। आप जहां भी जाएंगी बंगाल के लोग आपको सही जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। पीएम ने इस करारे प्रहार का ममता बनर्जी की ओर से जो जवाब नहीं आया, लेकिन टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया। महुआ ने लिखा, क्या दूसरी सीट से लड़ रही है? पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को लेकर चुटकी ली है। हाँ श्रीमान प्रधानमंत्री जी, वे लड़ेंगी और यह वाराणसी होगा, इसीलिए अपनी तैयारी कर लीजिए। महुआ मोइत्रा की ओर से पीएम के तंज पर आए इस जवाब पर गिरिराज सिंह कहा चुप रहने वाले थे, उन्होंने भी ट्वीट डाल दिया। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के ट्वीट का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने लिखा, बनारस में मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे के बस की बात नहीं है। समगोत्री होने के नाते एक बार मेरे खिलाफ कोशिश कीजिए। दीदी अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करें कि आप नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगी।